चलो 60,000 देंगे तो भी तुम्हें होना है, तुम्हें तो एक ही सीट से मतलब है, और 1,00,000 देंगे तो भी तुम्हें होना है क्योंकि तुम्हें एक ही सीट से मतलब है, तो अपनी एक सीट मजबूत कर लो। बस अंतर ये है, जैसे मान लो 1,00,000 1.5 लाख हो गई, तो जो मान लो कि 200 को पेपर है, ठीक है, तो कटाव 120 से 130 के आसपास जानी जो होगी वो भाई ज़्यादा रहेगी वैकेंसी तो कम जाएगी, इधर 100 के आसपास जाएगी, कम वैकेंसी रहेगी तो एक कटाव बढ़ जाएगी। बस आपको नंबर ही तो ज़्यादा पीछे करना है और कौन सा काम करना है। जैसे मान लो कि वैकेंसी कम है, मान लो 70,000 वैकेंसी है, 70,000 वैकेंसी है, तो 70,000 वैकेंसी का मतलब क्या हो गया, 70,000 वैकेंसी होने का मतलब हुआ कंपटीशन टफ हो गया, अब होने के चांस आपको बढ़ाने हैं अपने, तो नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, बस इतना सा अंतर होता है। तो जो नंबर आप मान लो 120 लाने वाले थे, अब आपको 140 नंबर लाने होंगे, 20-30 नंबर बढ़ा लो पहले से, बस नहीं समझे, तो ये करनी है अपनी तैयारी में। तो जितने भी दें बस अपने नंबर के ऊपर फोकस करना, ये अगर अच्छा कर लिया सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ नंबर हमेशा शुरुआत से ही ज़्यादा लेकर आओ। बट्टा की बात होने वाली है, रेडियो सभी लोग, तो बट्टा किसे कहते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इतने दिन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आई थिंक बट्टा की कहानी तो समझ में आई गई होगी इतनी कि बट्टा किसे कहते हैं। अब टाइप देख लेते हैं, आज टाइप मुझे कौन सा पढ़ाना है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे सक्सेसिव है। अच्छा सक्सेसिव को पहले मतलब बता देते हैं ना, क्योंकि हर बार तुम लोग सक्सेसिव सक्सेसिव चिल्लाया करते हो लेकिन सक्सेसिव का मतलब शायद गड़बड़ कर देते हो, कहीं सक्सेसिव लगना भी नहीं होता ना, वहां पर भी आप लोग सक्सेसिव लगा देते हो। क्रमागत तरीके से कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, इधर आप इधर ध्यान दीजिए, बेसिक चलने वाला है, थोड़ा फोकस कर लो, उसके बाद फिर जो करना है करते हो। सक्सेसिव में आपको ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे आप प्रॉफिट में देखना, ध्यान से देखना, जैसे अभी हमने कोई चीज़ खरीदी, फिर हमने 10% लाभ पर बेची और फिर उसने 20% लाभ पर बेची, यानी कि इसके बाद जो बना उस पर अगर कोई चीज़ परसेंट लग जाता है तो सक्सेसिव लग रहा है, और फिर जो बना फिर उस पर लग जाता है तो सक्सेसिव बनेगा। अब पता चल रहा है कि जैसे हमने कोई चीज़ बेची, ठीक है, 10% लाभ पर बेची, उसने नई चीज़ में मिलाई, उसको 30% हानि पर बेचता है लाभ पर बेचता मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मिला दिया तो क्वांटिटी चेंज हो गई तो यहां पर अब सक्सेसिव नहीं लगेगा, अब गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी चेंज कर देंगे या फिर फॉर्म चेंज कर देंगे, फॉर्म मतलब अब हम कपड़े पे से प्रॉफिट इधर कमा रहे थे, उधर मान लो जूतों पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, जूते बेचने प्रॉफिट कमाया, यहाँ कपड़े बेचने प्रॉफिट कमाया, तो इसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा, क्वांटिटी चेंज होगी, यानी जब भी क्वांटिटी चेंज होगी वहां पे सक्सेसिव नहीं लगेगा। सक्सेसिव कब लगता है, जब एक ही क्वांटिटी पे बार बार चीजें लग रही हो तो वहां पे सक्सेसिव लगता है। सब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लीजिए हमने कहा एक वस्तु लिया, उस पर 5% की छूट दिया, ठीक है, और बेच दिया मैंने, तो इस बंदे ने जो खरीदा होगा उसने 5% की छूट पर फिर से बेचा। अब ये ऐसा बोल सकते हो कि एक बंदा हमारे पास आया, पहले वो 5% छूट लेता है सीधे, और फिर बताता है कि हम उनके बेहुआरियां हैं तो 5% छूट और ले लेता है, हुआ ना, तो एक ही वस्तु पे हमने 2 बार छूट दे दिया, तो ये गया सक्सेसिव, ये गया सक्सेसिव, क्योंकि वस्तु एक ही थी उसी पे हम बार बार काम कर रहे हैं, तो ठीक है, वस्तु में बदल देंगे, अब इस पे 5% दे दिया छूट और दूसरे वस्तु पे दे दिया 10% छूट, अब क्या है सक्सेसिव होगा, नहीं होगा। हालांकि दोनों ही 2 बार दे रहा हूं, लेकिन 2 बार या 3 बार देने का मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसिव लगा दीजिए, जब एक ही वस्तु पे कोई चीज होती है तो सक्सेसिव लगता है ना, चाहे वो कम दे रहा हूं चाहे उसमें बढ़ा रहा हूं। सपोज कर लीजिए एक वस्तु पे एक लड़का पहले 10% का लाभ कमाता है, फिर दूसरा क्या करता है उसी में, मतलब उसी का फिर वो क्या करता है 20% का हानि कमाता है, मतलब हानि पर बेचता है, एक बार 10% का लाभ पर बेचता है, वही वस्तु जाके वो सामने वाला 20% हानि पर बेच रहा है, तो ये देखो एक ही वस्तु पर, तो बताइए अगर इसको मतलब ये अलग चीज हो गई है ना, तो यहां पे इसको औसत में प्रॉफिट या लॉस ये हुआ क्या हुआ ये देखना है, मतलब कुल मिलाकर इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये मुझे देखना है। तो अगर ये चीज कही जाती है तो एक ही वस्तु पे चीजें हो रही हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हो सक्सेसिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ही निकालेगा, ये प्रतिशत ही जवाब देगा। लेकिन अब मान लो ये इसने दिया 10 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, अब उसको उसको पता चला यार एक चीज हमारे पास कबाड़ पड़ी, उसको और मिला दिया, और मिलाने वजह से मान लो गेहूं है, नया गेहूं खरीदा उसने 10 रुपए किलो, उसने पुराने गेहूं मिला दिया और उसमें लगे थे घुन, उनका रेट घट गया, अब मिलाने से अब उसको बेचा, अब भले 5% हान पे बेचा हो, अब इसमें सक्सेसिव लगेगा, अब इसमें नई क्वांटिटी मिल चुकी है जिसकी वजह से इसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा। तो सक्सेसिव में बच्चे हमेशा गलती करते हैं, क्योंकि ये क्रमागत तरीके, उनको लगता है जो क्रमानुसार हो रहा है हर जगह वहां पे लग जाएगा, लेकिन क्रमानुसार अगर एक चीज में हो रहा है
तो लगेगा, अगर आप अलग अलग वस्तुओं पे देख रहे हो तो फिर नहीं लगेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसमें मैंने अक्सर बच्चों को गलतियां करते हुए देखा है। हाँ, जहां पे घट रही हो चीजें, बढ़ रही हो, लगातार बढ़ रही हो, लगातार घट रही हो, वहां पे आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, लेकिन ये शर्त हो कि एक ही क्वांटिटी पर लग रहा हो, तो वहां पे सक्सेसिव लगता है, हर एक क्वेश्चन लग जाता है, चाहे वो परसेंटेज में हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस में हो, और चाहे वो डिस्काउंट में ही क्यों ना हो। ठीक है, अभी हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं, एक तुम्हारे एक्साइज का पहला ही क्वेश्चन है, चलो इसको बताते हैं। जैसे यहाँ पर, अच्छा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है वो भी समझा दें, सक्सेसिव मतलब समझ आ गया। ठीक है, डिस्काउंट किसे कहते हैं, डिस्काउंट में कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको समझ लेते हैं। छूट ना, छूट कैसे मिलती है, एमआरपी में जो रुपए वो कम कर दे उसे छूट कहते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मानक होता है, हर एक वस्तु का एक मानक मूल्य होता है, वो लिखा रहता है, इसको एमआरपी ना लिखे हम सीधे एमपी लिखेंगे बेटा। ठीक है, एमपी मतलब अंकित मूल्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं। अब अंकित मूल्य हमारे पास है, अंकित मूल्य हिंदी में बोलते हैं इसको, अब ये वस्तुओं में आपने देखा होगा स्लिप चिपकी रहती है, उसमें लिखा होता है एमआरपी, और ये लिखा होगा 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। याद रखना कोई भी वस्तु एमआरपी ज्यादा महंगी नहीं बिक जाती है। ठीक है, कभी कभी आप जब बाहर फंस जाते हो, आपको गर्ज में चीजें खरीदनी पड़ती हैं, तो आपने देखा हो एमआरपी से भी वो ज्यादा दे रहे हैं, तो आप उसमें केस कर सकते हो। ठीक है, उस पे आप उसमें क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो कि आप एमआरपी से कोई चीज ज्यादा नहीं, याद रखना हमेशा एमआरपी से महंगा कोई भी तुम्हें देता है, ठीक है, तो आप उस पर एफआईआर दर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कारण क्योंकि एमआरपी से महंगी कोई चीजें बेची नहीं जाती। ठीक है ना, एमआरपी बनाई इसलिए गई है कि इससे ज्यादा तुम नहीं दे सकते हो, हमेशा इसे कम में देना है। तो एमआरपी का कहानी समझ में आया? ठीक है, अब सोच रहे बात, छूट दे रहे हो तो सीधे रेट, छूट रेट लिख देते, एमआरपी क्यों बनाई गई, तो एमआरपी इसलिए बनाई गई तुम ज्यादा से ज्यादा इतना बेच सकते हो, इससे ज्यादा कभी नहीं बेच सकते हो। ठीक है, एमआरपी इसलिए बनाई गई, चलो ध्यान देते हैं, एमआरपी हो गया। अब जब भी छूट की बात आएगी, किसकी बात आएगी, छूट की बात आएगी, तो छूट याद रखना, छूट को इंग्लिश बोलते हैं क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब याद रखना है कि आपको किस पे लेना है, एमआरपी पे ही लेना है, वो खरीद पे डिस्काउंट नहीं देता है। जब भी कोई रिटेलर होगा, यानी जब भी कोई हमारा विक्रेता होगा, वो क्या खरीद पे देगा, नहीं, छूट किस पे देगा, एमआरपी पे देगा, जो उसने उसमें एमआरपी लिखी होगी वो अपना मानक तरह समझेगा कि यार इतने में एमआरपी से छूट देंगे तो मुझे इतना तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो ऐसा सेंस लगा के हर एक वस्तु का एमआरपी डिसाइड कर लेता है, 5%, 10%। आप कभी भी जाओगे मॉल वगैरह में तो आपको लिखा रहेगा कि हाँ 15% की छूट, एक्चुअली में वो एमआरपी पे ही छूट देते हैं, और एमआरपी उनकी हाई फाई लिखी होती है बेहतरीन, वो खुद का एक टैग लगा देते हैं उसमें, ये लो उनकी एमआरपी अच्छी लिखी, लिखो तो बाई वन गेट वन फ्री। आज के ज़माने में बेटा अपना भाई कुछ नहीं फ्री देता है तो वो तुम्हें देगा, तो बाई वन गेट वन फ्री में याद रखना हर चीज़ के मूल्य ले लिया गया है, तुमसे पहले ले चुके हैं। अगर मान लो कि 10 रुपए की चीज़ है, अब वो तुम्हें 50 रुपए में दे रहे हैं, तो बोल देंगे बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, तो दो कर ले लिया, साथ में प्रॉफिट भी कमा लिया, अब तुम्हें लगेगा एक लिया तो एक फ्री, क्योंकि उससे हमारा दिमाग जाता है। तो ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसे ऑफर लगाए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, एक लो दो फ्री, एक लो तीन फ्री। तो जब भी ऐसी चीजें मिल जाए समझ जाना इनका रेट पहले लग चुका है, और आपको बस देखने में सिंपल लग रहा है। बोलते ना कि 300 में 4 T-shirts, तो मान लो कि 50-50 वाली T-shirts हैं, ठीक है, 200 में है उनका खरीद, 300 में बेच रहे हैं, 100 रुपये तो भी क्या कमा रहे होंगे, प्रॉफिट। तो ये चीजें होती हैं, मार्केटिंग करने का तरीका होता है। तो जब भी कोई डिस्काउंट हमें देता है, याद रखना डिस्काउंट कई तरीके, जैसे अभी नहीं बताया, ये भी एक टाइप का क्या लग रहा है हमें, डिस्काउंट लग रहा है। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है बेटा, हमें एमआरपी मिलता है। अब तुम ये सोचो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, मतलब जो हम विक्रय मूल्य करते हैं वो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, तो डिस्काउंट में, यानी जो हमारा एमआरपी था उसमें जो हमने डिस्काउंट दे दिया उसको, हाँ भाई इतने रुपए 50 रुपए डिस्काउंट, मान लो 200 रुपए की वस्तु थी, 50 रुपए मैंने इसको दे दिया डिस्काउंट, तो कितने रुपए गए, कितने रुपए की वस्तु थी, एसपी 150 ना, कितने रुपए की वस्तु थी, नहीं नहीं बात नहीं समझे, एमआरपी कितनी बोली मैंने, 200 बोली, छूट कितनी दी मैंने, 50 दी, तो मैंने उसको कितने में बेचा, 150 में बेचा। तो बेचने वाला मूल्य हमारा कैसे निकला, जब मैंने मार्केट प्राइस में डिस्काउंट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे पता चला मैंने कितने में बेचा। क्या ये बात को समझ आ रही है, इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य
और माइनस कितना छूट, तो छूट को माइनस कर देते हैं तो मेरा निकल के आता है विक्रय मूल्य। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको दे दिया। आप ऐसा भी बोल सकते हो, कोई वस्तु पर अंकित मूल्य दिया गया है आपको, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य दिया गया है 200 रुपए। कितना रुपए दिया गया? 200 रुपए। और ये ग्राहक को 10% की छूट देता है, 10% की क्या देता है? छूट देता है। तो बताओ ये ग्राहक को कितने रुपए में वस्तु को बेचेगा, कितने रुपए में इसको बेचेगा? कितने बेचेगा? 180। कैसे पता करेंगे? तो पहले छूट निकालो। छूट, छूट हमेशा किसका निकालते हैं? एमआरपी निकालते हैं। एमआरपी कितनी है? 200 रुपए है। छूट कितना दे रहा हूं? 10%। तो एमआरपी का 10% मतलब 10/100। तो ऐसे से दे दिया हमने और ये आपका कैंसिल हो गया। बताओ कितना हो गया? कुछ ज्यादा जीरो काट दिया क्या मैंने? और ये हमारे पास ये दोनों जीरो खत्म हो गए, 20 आया ना, 10 × 2 = 20। अब एक्चुअली में क्या आया हमारे पास? छूट आया। छूट मतलब हुआ ग्राहक 20 रुपए हमें नहीं देगा। तो कितने रुपए हमें देगा? तो हमारे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए एमआरपी में छूट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 200 में 20 घटा दो कितना हो जाएगा? 180। तो 180 रुपए हमें ग्राहक देगा, ये हमारा एसपी बन जाएगा। क्या बात को समझ आ गया? ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझ लेते हैं इसी में। मान लीजिए हम किसी ग्राहक को, एमआरपी हमारे पास थी, एमआरपी हमारे पास कितनी थी? 300 रुपए थी। ठीक है, पहले हम ग्राहक को 5% की छूट देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें जनरल हुआ तो 5% छूट दिया, या फिर अदर कोई कास्ट हुआ इसको कास्ट वाइज छूट मिल रही है यहाँ पे, है ना? ठीक है, जनरल हो गया, कैटेगरी वाइज इसको कैटेगरी बोलते हैं। हमने पता चला कि यार ये नेक्स्ट कैटेगरी में आता है तो 5% छूट मुझे इसको और देना पड़ेगा, तो मैं अगली बार फिर इसको 5% और छूट दे देता हूँ। अब ध्यान देना बेटा, तुम ये गलती मत कर देना कि 5/5 10 कर दो। ठीक है कि 10% छूट दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। 5% छूट दिया, जो वैल्यू आएगी उसका 5% छूट और मिल रहा है। नहीं समझ क्या बात? जो मैं पहले 5% छूट दूंगा, जो वैल्यू आएगी उसका 5% छूट दे रहा है नेक्स्ट टाइम। तो दोनों में अंतर है ही नहीं? अंतर है। पहले 5% निकालोगे अलग वैल्यू आएगी, और दोबारा जो आएगा उसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, दोनों में अंतर आएगा। दोनों के हम सीधे जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। तो कैसे जोड़ेंगे? पहले हम 5% छूट लिखेंगे। इसका 5% छूट कितना होता है? 15 रुपए होता है। समझो पहले 15 रुपए आया। ठीक है, और फिर मैं इसका फिर अगेन कितना रुपए बचा? 285। और 285 का फिर से 5% छूट, बताओ कितना हो जाएगा? 285 का 5%, 5/100 20। ठीक है, 14 कितना आया? 14.25। क्या दोनों सेम आए? नहीं आए ना, अंतर आ गया ना। ठीक है, अब टोटल डिस्काउंट कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 29.25। कितने परसेंट डिस्काउंट अब बना? अब परसेंट निकालना पड़े। अगर मान लो परसेंट निकालना पड़े तो कैसे निकालते हैं? ये डिस्काउंट हुआ, किस में निकाल रहे हैं? 300 में निकाल रहे हैं। तो 29.25/300 × 100 कितना हो जाएगा बोलो? 3×9 = 27। आगे 3×9 = 27 बना, 2 ना, 3×7 = 23, 3×5 = 15। अब सक्सेसिव यहीं पे, सक्सेसिव हमें कितना हेल्प करता है ध्यान देना। अब सक्सेसिव लगाने से क्या हेल्प मिलती? अब क्योंकि इसी रेट पे बार बार लग रहा है ना, हमने सीधे तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हमें सक्सेसिव कहता है कि आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तरीका क्या है ऐड करने का ध्यान देना। आप परसेंटेज ही जब बताना है तो आप ऐसे बताओ कि 5% पहले था, फिर मैंने दोबारा भी 5 बढ़ाया, फिर माइनस करना है, फिर 5×5/100। चलो करते हैं। 5×5 कितना हुआ? 10। 10 में चीज माइनस करनी पड़ेगी, कितना? तो 25/100, 1/4। तो 10 − 1/4 कितना हो जाएगा बेटा? 39/ अरे सीधे भाग कराओ ना, ऐसे क्यों करते हो? सीधे भाग करा देखो कितना आएगा? 0.25 माइनस करो कितना आएगा? 9.75। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आएगा? परसेंट आएगा, नहीं आएगा सेम आएगा, नहीं आया। क्या सेंस समझ में आया कि सक्सेसिव का सेंस क्या था?
आप देख रहे हो सक्सेस कब लगता है, आपने देखा जब इसका मूल्य बढ़ाया तो उस पर लग रहा है, फिर उसके अगले में लगे, तो जब भी ऐसा बनता चला जाए तो वहां पे हर समय क्या लगेगा, सक्सेस ही लगेगा। क्या मैंने वस्तु चेंज की, अब आपको पता लग रहा होगा वस्तु सेम थी, उस पर लगा फिर उसी के रेट पर फिर लगा, उसी के रेट पर फिर लग जाता है, तो इसको कहते हैं सक्सेसिव। क्या कहते हैं, सक्सेसिव। तो इस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि a प्लस बी, पहले हम a परसेंट की छूट दे रहे थे, बाद में हम b परसेंट छूट दे रहे थे, तो बताओ क्रमागत में कुल कितनी छूट दे दी मैंने उसको, तो हो जाता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये होता है सक्सेसिव का सही मीनिंग। क्या बात सबको समझ में आ गई। अब आपको ये भी बिल्कुल समझ में, ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पे सक्सेसिव लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। आप हर जगह लगा सकते हो, हर एक जगह पे लगा सकते हो जहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जब एक ही वर्ष में बार बार चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि रिजल्ट आया फिर उस पर फिर लग जाए, फिर जो रिजल्ट आया फिर उस पर लग जाए, तो समझ जाओ यहाँ पे सक्सेसिव लग रहा है। होपफुली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि डिस्काउंट में अंतर बताओ। क्या बताओ, डिस्काउंट में अंतर। देखो मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं ओनली कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, इसलिए आप ये मत सोचो कि सर लेंथी कर रहे हैं, लेंथी नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझाने का जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में है, रियलिटी में जो हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का आपके माइंड में बात डाल रहे हैं कि हाँ ऐसी बात है तो ऐसा करना, और मैं हर बार नहीं डालूंगा, मैं फिर सीधे क्वेश्चन बोलूंगा, सीधे अप्लाई करूंगा, इसलिए इनिशियली मैं बताता हूँ कि हाँ कौन सी बात पर क्या चीज़ें लगाई जाती हैं और क्यों। मैं विद लॉजिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ें ऐसी लगती हैं और क्यों लगती हैं। देखो पहले मैंने प्रॉपर किया एक अच्छे तरीके से, जो होता है सही तरीका, ठीक है, ये प्रॉपर वे होता है, और इस प्रॉपर वे को फिर मैंने आपको सक्सेसफुल मेथड से बताया कि इसको कैसे लगाते हैं, इसमें टाइम कम लगता है इसलिए हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी तो सोचना है कि ऐसा क्यों। अब अगर आपने क्यों ना क्लियर किया ना अपना, तो जैसे देखो कई बार इसने खुद मेरे सामने गलत बार सक्सेसफुल लगा दिया, गलत जगह सक्सेसफुल लगा दिया, तो वो चीज़ें आप नहीं गलती करोगे, समझ नहीं आ रही, वो चीज़ें फिर दोबारा गलती नहीं करोगे, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, आपको ये भी पता होगा कहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं और कहाँ पे क्या नहीं, तभी आपकी मैथ अच्छी मानी जाएगी, ठीक है ना। अब पता चला किसी जगह तो अप्लाई हो गया और किसी जगह ना हुआ, तो फिर आप परेशान, हिम्मत होगा रहा या नहीं हुआ रहा, यह बड़ी दुविधा वाली। और यही चीज़ मान लो एग्जाम में आ जाती है, एग्जाम में नहीं होना था लेकिन आपने लगा के बैठ गए और आंसर भी मैच हो, भगवान की दया से वो ऑप्शन बनाने वाला जानता है तुम क्या करोगे, तो बना भी देता है एक ऑप्शन ऐसा जो तुम्हारा आंसर मैच हो जाए, मैच होगा और तुम प्रसन्न हो जाओगे हमारा सही, और जब आंसर किया था जैसे भी आया कल पेट का एग्जाम का आंसर किया आया, और सभी ने देखा होगा, और जिसने देखा होगा उसको पता चला कि यार यह हो गलत हुई का, यह हो गलत या तो सही रहा, ये हमने देखा है बच्चों के अंदर चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा होगा अगर आप ऐसी दुविधाएं लेकर चलोगे, ठीक है। हाँ हमने क्या कहा था, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आती जब मैं पूछता कि दोनों छूट के बीच में अंतर कितना आया, तो ध्यान से देखा पहले तो हमें मिला था 15 रुपए की छूट, फिर मुझे कितना मिला था दोबारा में 14.25 की छूट मिला, तो दोनों में अंतर कितने का आया, 0.75 का अंतर आया, तो ये अलग कहानी बन जाती, तो यहाँ पर फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हम ऐसे जाएंगे, जा सकते हो, इसके भी एक तरीका है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसे निकालोगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा, फिर इस मेथड में जाना बेवकूफ़ी है, क्या मेरे पास में पा रहे हो, फिर इस मेथड में जाना क्या है बेवकूफ़ी, इसमें सीधे जाएंगे हम सीधे आंसर प्राप्त कर लेंगे, लॉजिक क्लियर हो नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आगे लेकर चलूँ आप लोग को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, तो आप लोग तो थोड़ा सा अपने अंदर का एक देखेंगे कि हाँ समझ में आया है नहीं आया, नहीं आएगा तो टेंशन मतलब भी सिखा रहा हूँ, प्रॉपर पूछना ढंग से बता देंगे, क्लियर हो जाएगा ना चाहिए, है ना। लेकिन एक बार आपने हाँ बोल दिया तो बेटा फिर आपकी जिम्मेदारी है कि दोबारा वो आए तो आप करें, हाँ तभी बोलना जब आपको समझ में सच में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, 10,000 की राशि है, 10,000 की राशि, अच्छा ऊपर 1,00,000 का, तो 1,00,000 रखो, इंग्लिश वाला को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है ये जान लो आप, ठीक है। एग्जाम में भी याद रखना, इंग्लिश में अगर हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है तो आप किसको ज़्यादा प्राथमिकता दोगे, इंग्लिश वाले को, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर क्लेम करोगे फिर माना नहीं जाएगा क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, इंग्लिश वाले प्रश्न का पहले आप प्राथमिकता देंगे, ये बाद में डाल लो, ठीक है।
इंग्लिश वर्जन का, क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड हिंदी होती है, इंग्लिश में पेपर बना, क्लिक किया, ट्रांसलेटेड हिंदी आ गई, उसकी हिंदी इसलिए टफ लगती है पढ़ने में एग्जाम की। चलिए अप्लाइड, सॉरी इंग्लिश से पढ़ने लगा, 10,000 की जगह पे 1,00,000 कर लो, क्योंकि इंग्लिश में 1,00,000 लिखा है तो 1,00,000 ही कर लो। 1,00,000 ठीक है, की राशि पर दो तरह के बट्टे लगते हैं ना, जिनमें एक बट्टा 40% और दूसरा बट्टा, एक बट्टा 40% और दूसरा बट्टा क्रमवार, क्रमवार में समझते हो, क्रमानुसार, पहले 36% और फिर 4%। देखो क्रमवार लगने का फायदा, ठीक है, 36% और 4%, तो दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है, तो दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है, फिर से क्वेश्चन बोलें, कि क्वेश्चन क्लियर है, बोल दें। क्वेश्चन ये है कि दो तरह के बट्टे लग रहे हैं, 1,00,000 रुपए में दो तरह के बट्टे लग रहे हैं बेटा, ध्यान देना, दो तरह के बट्टे लग रहे हैं, पहला लग रहा है 40% का बट्टा सीधे, ठीक है, और दूसरा लग रहा है, पहले लगेगा 36% लगाओ और फिर लगा रहा है 4% लगाओ, एक तो सीधे 40% लग गया, एक पहले 36% लगा और फिर क्या लगा, 4% लगा, ठीक है। तो अब मुझे बताना है दोनों बट्टे में अंतर कितने का आएगा, आप क्वेश्चन सुनाया बताइए, सलीन बेटा अपने दिमाग से करो, है ना, नहीं समझ में आएगा तो भी हम बताएंगे ना, क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि पहले तुम सोचो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, बाकी तुम बता ही देंगे फिर। 1,44,44 रुपए में बताना बेटा, 1440 सही है, क्या सब लोग अप्रोच कर पाए, जो भी मैंने संडे को लेक्चर पढ़ाया था, ठीक है, 11 बजे मैंने शेड्यूल कर दिया है, 11 बजे वो लेक्चर लाइव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, जो बच्चे संडे को नहीं आ पाए थे या जो आए भी थे रिवाइज करना चाहें तो देखें, पूरा लेक्चर मैंने पूरा लेक्चर विदाउट कट किए अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं बेटा। मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, अगर मान लिए कहीं तुम गए और तुम्हें कोई बोले हम ऐसे 20% की छूट देते हैं लेकिन तुम्हें पहले 10 देंगे और फिर बाद में फिर 10 देंगे, तो बताओ तुम्हें उससे छूट ऐसे लेनी है या सीधे 20% की छूट लेनी है, तो इस बात को आज मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि सीधे छूट लेना फायदा है कि 10-10 करके छूट लेना फायदा है, 10-10 करके छूट लेना फायदा है। अच्छा यार तुम पता ही कितना सेंस लगाते हो, फिर भी सेंस नहीं लगाते हो, चलो ध्यान देते हैं, अब एक बात समझते हैं, मार्केट गए और मार्केट में 40% छूट लिखा हुआ था, कितने परसेंट छूट लिखा हुआ था, 40%, लेकिन वो तुमसे कह रहा है कि हम तुम्हें 40% ही देंगे, लेकिन हम पहले तुम्हें देंगे 36% और फिर तुम्हें देंगे 4% 1,00,000 पर, तो तुम्हें कैलकुलेशन मन में कर लेना है तुम घाटे में जाओगे या फायदे में जाओगे, तुम्हें यही सोचना है कितने रुपये घाटा लगेगा या फायदा लगेगा, समझ आ रही नहीं आ रही, चलो सोचते हैं कैसे, पहले 1,00,000 का कितने परसेंट छूट है, 40%, बताओ कितना होगा 1,00,000 का 40, तो 1,00,000 का सीधे 40% निकाल लो, 40% 40/100, तो दो जीरो से दो जीरो सीधे कैंसिल हो जाएंगे और गुणा हो जाए, कितना आ जाएगा आंसर, 40,000 आ गया, छूट आ गई 40,000, ठीक है। अब गए उसने कहा लिखा था 40% छूट, लेकिन उसने तुम्हें ऐसे दिया छूट, पहले 36% छूट दिया फिर 4%, और जब तुमने पूछा नहीं हमें हिसाब दो करो, वही तो था 36 4 40, तुम्हें कैलकुलेशन समझा रहा है, अब तुम गणित के स्टूडेंट, तुमने उसको कैलकुलेशन करके बताया कि छूट कैसे दे रहेंगे, तो 1,00,000 पर पहले देखो क्रमागत हो रहा है, ये देखो क्रमागत हो रहा है क्रमानुसार, और जब भी क्रमानुसार काम चले तो आपको पता है सक्सेसिव लगा सकते हो, सक्सेसिव में क्या कहता है 36 + 4 - 36 × 4/100 तुरंत लगाओगे, 25 × 4 = 100 होते हैं और 36 × 4 = 40 होता है, 40 में कितना माइनस हो जाएगा, 1.44, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दिखा रहा था, अब देखो ये 40% था, ध्यान देना मेरी बात को, इसको सॉल्व ना करो, ये भी क्या है परसेंट ही आया है, समझ आया, ये भी क्या है परसेंट आया, सोचो कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा, ये 40% है, ये सोचो इसमें इतना परसेंट कम हो जाएगा बेटा, इतने परसेंट में तुम घाटा में जा रहे हो, ध्यान से देख लो,
घटने जा रहे हो ना, तो सीधे 40% लेना फायदा था या 36.4 लेना फायदा था? सीधे 40 लेना फायदा था, ये प्रॉफिट में बंदा चलेगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कितना प्रॉफिट में चलेगा। अंतर पता लगा रहे हो तो बड़े में छोटा घटा दो, तो अंतर पता लगा रहे हो तो बड़े में छोटा घटा दो, बड़ा कौन है 40% यानी परसेंट अभी बाद में लिख देंगे, ठीक है, मैं कितना घटा दें 40 - 1.44 घटा दें, क्या इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक, तो 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा 1.44% का घाटा लग जाएगा इसको। तो बेटा निकेत ऐसी दोबारा छूट मत लेना, ऐसा छूट लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ये 40% सीधे 1,00,000 पे लग रहा है, ये 36 का 1,00,000 रहेगा, फिर जो आएगा उसका लगाएगा 4, तो घाटे में जा रही होगी ना। ठीक है, अभी ये समझ में आया सबको ये अंतर, तो इसको रुपए में बदलना है, ये कितने का है? 1,00,000 का इतना, तो 1,00,000 का इतना कितना बनता है बेटा, 1,00,000 लिखो, ठीक है, उसका 1.44% कर लो, परसेंट मतलब होता बटे 100, 2 0 2 0 खत्म, जितने संख्या पर दशमलव हो वो दशमलव हटाओ, उतने जीरो और कैंसिल कर दो, तो कितना गुणा कर देना इसमें, 10 से गुणा कर देना, कितना हो जाएगा? आपको अब पता चला है प्रॉपर्टी डीलर 2% क्यों मानते हैं, हमको 1% 2% दे दो आपकी जमीन बिकवा देंगे। अब आप सोचो 1,00,000 में 1.44% था, यानी 4-4% था, तो कितना रुपया बन गया 1,000। अब प्रॉपर्टी बिकती है 50,00,000 की प्रॉपर्टी बिकती है, 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है, उसको तुम 2% दे रहे हो, तो सीधे वो सोचो तुमसे 1,00,000 रुपये मांग रहा है, और 1,00,000 रुपये मांग लेता ना तुम्हें अटैक आ जाता, तो सुनने में कितना सिंपल लगा, हमें 2% चाहिए, ज्यादा नहीं 2%। और अगर तुम 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी बेचो, कितने करोड़ की, 1 करोड़ की, कितने जीरो लगेंगे पता है ना, कितने जीरो लगेंगे, 6-7 लगेंगे। अच्छा, हमने सोचा ये भी बताना पड़ेगा, ये हुआ 1 करोड़। अब 1 करोड़ का 2% कितना होता है, 20,000। यार हमें आप पक्का अटैक आएगा, कितना आएगा, हट दो इधर, 2 लिख दो, कितना आ जाएगा 2,00,000 रुपए। अगर वो तुमसे 2,00,000 बोलता ना तो ज्यादा लगता, 2% बोल दिया, देखो कितना सुनने में कम लग रहा है, 2% 2% ले, कह रहे 2% दे दिया भैया जाओ, और जब उसने रुपया मांगा 2,00,000 लाओ, यार 2,00,000 ज्यादा नहीं मांग रहे हो, 2% की बात हुई थी, निकाल के देख लो 2% इतना ही आएगा, तब तुम्हें समझ में आ गया तो यार ठग ली सी। सोचो जो 5-6% बोलते हैं तो उनका समझते हो कितना होता है, 5-6% मतलब 5% 6% बहुत चला जाता है। हालांकि समझ में आ रहा होगा परसेंट डिस्काउंट ये सब समझ में आ रहा, क्या ये कहानी सबको समझ आ रही है, सबको समझ आ गई? तो ये सेंस था क्रमागत का, यही सेंस था यहाँ पे क्वेश्चन का। अब हम आते हैं आगे बढ़ाते हैं मामले। बेटा पढ़े लिखे का जमाने में बहुत इज्जत है, क्योंकि आप दिमाग से काम करते हो, इंसान को मारना भी है ना दिमाग से। अब जैसे गाड़ी स्पीड से चला के तुम झूठ भी नहीं बोलना चाहते हो, और तुम्हें पापा को सच बोलना है, हमने ये चीज़ बताई, तरीका क्या होता है, आप आए हो 120 की रफ्तार में आए हो, ठीक है, और पापा पूछे कितने रफ्तार में आ रहे हो, तो अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो, ठीक है, 120 में बताओगे पापा जुतिया देंगे। अब तुम्हें क्या करना है, अब आपको पता है 120 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदल ले कितना होता है, कितना होता है 5/18 जुड़ा कर देते हैं, चलो इधर कर देते हैं, चलो इधर ऐसे कर लेते हैं ना 180 कर लेते हैं, हाँ 180 बहुत ही तेज रफ्तार है यार, घन 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 नहीं नहीं फिर भी इसमें भी नहीं एग्जैक्ट बताएंगे ना, तो चलो ठीक है कर लेते हैं, ये रफ्तार काफ़ी अच्छी रफ्तार है, इस रफ्तार में तुम भगवान को प्यारे जल्दी होगे, ठीक है, इस रोड में तो पक्का प्यारे होगे, कोई इसमें शक नहीं है, और इसको किया आपने और बोलो कि सर 50 की रफ्तार में पापा रहे हैं, अब 50 से तुम पापा में नहीं मारेंगे, सबको पता पैदा 50 की रफ्तार में चलो तो गाड़ी सही एवरेज देती है और सही भी चलता है ना, और इसमें दिक्कत भी नहीं है, इतना कंट्रोल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो 50 की रफ्तार में पापा मारे भी नहीं बच भी गए, और गलती से उनको पता चल जाता है 180 रफ्तार में आए हो तो पीट भी देते, तुमने झूठ भी नहीं बोला और तुम बच भी गए, किस रफ्तार से सर 50 की रफ्तार से, उन्होंने थोड़ी बोला किलोमीटर में बताओ या मीटर में बताओ, कहानी समझ आ रही है? तो पढ़े लिखे का रियल लाइफ में बहुत इस्तेमाल है, एक छोटा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत जगह तुम अपने आप को सही साबित कर सकते हो, ठीक है, तार्किक रूप से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत कर लेते हैं,
और ये क्रमागत तरीके से हो रहा है, ठीक है। दो क्रमावार लिखो, दो क्रमवार बट्टे, दो क्रमवार बट्टे 10% और 30%, दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर होंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्रमवार है तो अपने आप से बताओ, चार ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं मुझे। आंसर क्या आया? 37। बिल्कुल बेहद आसान आंसर था। क्रम और वार लगा, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। चलो लगाओ, 40 प्लस 30 माइनस 10 है क्या? 10, और इधर कितना हो जाएगा फिर? ये क्वेश्चन कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन लगाया आप लोगों ने, 10% छूट 10% लेवल नहीं लगा? लग गया। एक बार हम बता देते हैं ना, नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी हम बताएंगे, हमारी मजबूरी है बताना, ठीक है, बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, भाई साहब कोई क्रय मूल्य रहा होगा मुझे नहीं पता, तुम क्या मान लें? 100 मान लें, चलो 100 मान लिया, 100 यूनिट। कितना बढ़ा देता है वो? 10% अधिक अंकित कर देता है। हमेशा याद रखना, कभी भी दुकानदार तुम्हें सही रेट नहीं बताता है और बोलेगा तुम पहले ग्राहक हो, तुम तो झूठ ना बोला, इतने हम खरीद के लावा रहा, और तुम्हें एक रिकॉर्ड भी दिखा देता है वो, ये देखो 100 रुपये तो कमाए दो यार, ये देखो, लेकिन तुमका 100 रुपये ना कमा लो, यहाँ कम कर दे, ले जाओ यार, तुम ले जाओ पहले ग्राहक ले जाओ, तो भी जान लेना वो लाभ तुमसे कमा रहा है। हर व्यापारी झूठा होता है, अगर व्यापार करना है तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, सच है, ठीक है। उधर कह रहा है कि तमाकू खाओ लाल केसरी, है ना, उधर क्या चला करता है नीचे कि तमाकू से कैंसर होता है, वो इतना छोटा लिखा होगा ना, इतना छोटा लिखा होगा तुम सो नहीं पाओगे। एक गेम खेलने का प्रचार कर रहा है तो एक आता है कि इसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो इतनी स्पीड में बोला जाता है ना, क्या सोच भी नहीं पाओगे। हाँ सबसे आखिरी में बहुत स्पीड के साथ, क्योंकि हम अपनी तरफ से अपना पक्ष क्लियर भी रखें, कोई हम पर केस ना कर सके और अपना प्रचार भी कर लें, यही होता है। हर एक इंसान, हर एक व्यापारी क्या होता है? झूठा होता है, रियलिटी ये है। तो याद रखिए, ये भी इंसान बड़ा झूठा है, 100 यूनिट में वो खरीद के लेकर आया, 10% में उसने रेट में ज्यादा अंकित किया, कितना हो जाएगा बेटा? 110 यूनिट उसने अंकित कर लिया। ये हो गया MP, हो गया ये उसका CP हो गया। अब बताओ बेच कितने में रहा है वो? डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का। अब 10% जब इसमें मैं डिस्काउंट दूंगा, बताओ कितना हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा 99, लॉस हो गया, ज्यादा दिमाग लगा दिया हमने। पहले बोला अगर औरतें आ गई तो 10-20 रुपये अपनी जेब से जाता है, चला गया ना, ज्यादा दिमाग लगाना घाटे में हो जाता है। ये तो ये गई यहाँ पर, इसको SP हो गया। अब बेटा यहाँ पर उसको हो गया लॉस, कितने यूनिट का लॉस हुआ? खरीदा 100 में, बेचा 99 में, 1 यूनिट का लॉस हो चुका। परसेंट बताना है तो आपको पता है लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है, लॉस ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, और CP नीचे रहना चाहिए, और गुणा कितना होना चाहिए? 100। हालांकि हम सीधे 1% लिख सकते थे, लेकिन तुम्हें समझाना भी जरूरी है और तुम्हें समझना भी जरूरी है कि जब भी 100 में परसेंट देख रहे हो तो जो वैल्यू आती है वही परसेंट बन जाता है, लेकिन रट्टा ना मारो, समझ लो कि कैसे आता है। तो ये ऐसे आता है, तो 1% का क्या हो गया उसको? नहीं, क्या बात आ गया, ज्यादा दिमाग लगाया था उसने, लेकिन उनको नहीं पता था, उनको पता नहीं था खरीदने कौन आ रहा है ना, वो समझ आता है चार औरतें हैं तो समझ जाता है वो लड़का कि सावधान हो जाओ, बहुत सोच समझ के बोलना है और भागेगा में बिल्कुल नहीं आना है, बहका देंगे बच्चा तुम मम्मी के बराबर केस क्या है। अच्छा थोड़ा अच्छा ये वाला देखे तो अगली बार जब भी ना तुमको 10 पे एक्स्ट्रा दे दे, अभी तुम्हें इतना बहका देंगे तुम मान जाओगे अच्छा अरे हम रो सुन लियो, कभी हम रो सुन लिया करो, कोई चाची तुम इतने महंगे दिया हो, अरे चाची समझा करो, खरीद सब पड़ रहा है, सब पड़ रहा है, भर भी लेंगे जेब में, पड़ रहा है, रखो होएगा, लग गया 1% का घाटा। मार्केटिंग का सबसे बढ़िया औरतों से दूर रहना, आराम से दादी पैर छुई 50 रुपये पहले बता दे, और बड़ाई कर दो बहुत, सबसे बड़ी चीज़ अगर तुम्हें महंगी चीज़ बेचनी है पहले क्या कर दो? बड़ाई। भाभी जी आप इस खसाड़ी में मतलब आप कटरीना फील कर रहे हो, गजब ढाए हो आप, एकदम गजब,
थोड़ी बढ़ाई कर दो, अब वो थोड़ी महंगी बताओगे ना, अरे 100 रुपये तुम प्लस रखो यार, रखो यार, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। हो गई, ये क्या है, ये है मार्केटिंग। इसमें बेटा झूठ बोलना ही पड़ता है, मतलब नहीं समझे, इसमें तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ता है। महा अजीब भी लगे ना तो भी तुम्हें अच्छा ही बोलना है। हम लोग जब कपड़े पसंद करने जाते हैं यही तो होता है, हर कपड़े कहीं बहुत अच्छे लागो यार, हीरो का लागो तो तुम जो वह फेल करे हो, ले लो हर कपड़ा पहनो ट्राई करो तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम बहकावे में नहीं आना ये भी जान लो, ठीक है। अब देखा है नहीं तो फिर बोलेंगे सुन में आएगा तो है नहीं, है ना, इसे रिलेट नहीं कर पाओगे, जब देख लेना तो फिर रिलेट करवा देंगे। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब ये होशियारी करेगा, 20% अधिक अंकित करेगा, एक बार घाटा खा चुका है ना, अधिक अंकित करता है। वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है तो सही है, कर दें हम ना करें, लेकिन करब। 100 यूनिट है, कितना बढ़ा रहा है वो इस बार, 20% बढ़ा रहा है, ठीक है, कितना हो गया बेटा, 120 यूनिट हो गया, कितने परसेंट छूट दे रहा है, 8% छूट दे रहा है, कितना बनेगा इसका 8%, तो 120 का 8% 110.4 बनेगा, ठीक है। तो आपको बता कितना लाभ हो गया, 10.4 का लाभ, 100 में देख रहे हो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, तो 10.4 आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। किसी कोई डाउट अभी भी नहीं आया, ये स्टेप आता है यहाँ से कैसे आता है, कर ले तो नहीं वाला, तो फिर तो आ ही जाएगा, इसमें कोई अंतर ही तो देखना है, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं, मेरे मुंह से क्वेश्चन निकले तुम्हारे मुंह से आंसर निकले, और कोई क्वेश्चन पहले से नहीं देखेगा तब मैं समझ जाऊंगा यू आर सो टैलेंटेड, ठीक है, नहीं सो ना लगाओ बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आप लोग के लिए एकदम मक्खन क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, तो बताइए व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ, 40%। निकाल लो, बहुत स्पीड में निकाल दिया बच्चे ने, 66 सही 2/3। कहते हैं ना कि अगर स्पीड हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान मुंह के बल गिरता है। आज एग्जांपल तुमने साबित भी कर दिया यार, 66 सही कितना आया, 66 सही 2/3 आंसर आया। कहा अनिकेत भैया कहा ना कटवाया, एक्सीडेंट हो ही गया ना, कोई बात नहीं। सही लिखा है मैंने, और ये क्या जा रहा है, हटी, दुर्घटना क्या हो जाएगी, घटी हो जाएगी,
कृपया इस बात को ध्यान दें, क्या हट जाए? सावधानी, और क्या घट जाएगी? दुर्घटना। अगर थोड़ा भी ध्यान हटा, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या घट जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक में और स्टार्ट करते हैं आपका ये लेक्चर्स। क्या है भाई क्वेश्चन? अंकित मूल्य उसका 900 रुपये, मतलब अंकित मूल्य उसका 900 रुपये कर लिया हमने। अंकित मूल्य को हम सीधे एमपी बोलते चलेगगा? तो एमपी हो गया उसका 900 रुपये हो गया बेटा। और बोलिए आगे, बट्टा डिस्काउंट कितना है? 40%। किसको प्राप्त हो रहा है? व्यापारी ने जब खरीदा होगा तो उसको 40% का बट्टा मिला है। अब यानी उसका सीपी क्या बना? तो इसका सीपी बन गया सीपी, तो 900 का कितना? 40%। तो 40% छूट मिला, बचा कितना उसका? 60 बचा, तो 60% सीधे निकाल लो, 2020 खत्म। बताओ कितना आएगा? 540 रुपये हो गया। ठीक है, अब 540 में उसने खरीदा, बेचा कितने में उसने? 900 रुपये में उसने बेचा। लो बेच दिया 900 रुपये में मैंने, अब बताओ क्या होगा, लाभ या हानि? लाभ होगा। कितने लाभ होगा? 360 का। परसेंट निकालना है किस पर? 540 पर, गुड़े 100। ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, कितना? 36। 200/3 को क्या बोलते हैं? 66 / 2/3%। ये वाला पोर्शन तो करना आता होगा ना? ठीक है, पहले नहीं आता था कुछ बच्चों को, अब तो आई थिंक आने लगा होगा, 2 बार पढ़ाया इसको मैंने। लो हट गया। क्या भैया सावधानी घटा दे हो रहा है? अब तो क्लियर है? क्लियर था पहले से। अच्छा दीदी, हो रही हो? क्वेश्चन लगा? हाँ जी, क्वेश्चन लगा? लग गया? ये वाला समझ में आ रहा है? ये पोर्शन कभी भी नहीं आ रहा है, आ रहा है? चलो आना चाहिए बस। क्या लगता है, मैं एक क्वेश्चन और दे दूं? एक और दे दूं, अगर ये लगा ले गए तो मैं समझ जाऊंगा कि यू आर सो टैलेंटेड। पहले तो फेल हो गया था मामला, ठीक है, इस बार मामला फेल नहीं होना चाहिए, लिखा रहेगा, अभी हटाएंगे नहीं इसको ना, अभी लिखा, ताकि ये आपको याद रहे, इस बार कोई गलती ना हो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु पर 15% की छूट और दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है। 20, एक वस्तु पर 15% की छूट है और दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? हाँ, ऐसे क्वेश्चन किससे लगेंगे? ऑप्शन से ही लगेंगे, रेशियो लगाना पड़ेगा, लास्ट में रेशियो बन जाएगा। तो रेशियो बनने के बाद फिर क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन, जाहिर सी बात है ना, बिना ऑप्शन नहीं लगेगा। मान लेते हैं इसकी एमआरपी अलग होगी, इसकी एमआरपी अलग रही होगी, तभी तो छूट देने पर बराबर आ रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताना है, कितना आया? कितना? 4/5 कितना आ रहा है? 4/3 आ रहा है। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 85 और 60 रुपये, रुपए हैं सब, याद रखना रुपए में है सब, है ना, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में। दूसरा ऑप्शन है 60 और 40, तीसरा ऑप्शन है 40 20 और चौथा ऑप्शन है 80 60। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में दे डाला, क्वेश्चन में बता डाला ना, 80 60 आ गया। अनुपात इसमें कितना आ रहा है? और तुम्हारा कितना आया था? 4/3 आया था। ये बार आप अनुपात निकाला आप लोगों ने, कितना आया? 4/3 आया था। तो 4/3 जिसका 3 आ जाएगा वही आपका आंसर। इसमें आया नहीं आया? इसमें आया? इसमें तो मारो ना लायक को यही है। क्लियर है? अभी हमने किया नहीं है, लेकिन हम आप पर भरोसा करके ऐसा मान रहे हैं कि ये आंसर
सही होगा, मेरे पास आंसर भी नहीं है, तो मैं ऐसा आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि आपने जो भी बताया वो एकदम सही होगा। अरे दीदी कहीं नहीं, हमको आंसर याद रहा। अब बुक चेंज कर लो अपने लिए, है ना, ताकि आंसर याद ना रहे। सबको क्लियर है? आज इतना ही रखा जाए कि और कराएं? इतना ही रखेंगे ना, ठीक है, तो करके रहना, कल कलम आगे बढ़ेंगे।